नाउ अब हम बात करते हैं वोल्टेज गेन ऑफ स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर। तो अभी हमने इससे प्रीवियस जो है टॉपिक में स्टडी किया था एसी इक्विवेलेंट सर्किट एंड डीसी इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। तो आप जानते हैं कि अगर आपको एसी सर्किट यानी कि एसी वोल्टेज और एसी करंट्स को चाहिए, अगर आप एसी करंट्स एंड एसी वोल्टेज से डील करना चाहते हैं, आप फाइंड करना चाहते हैं कि ट्रांजिस्टर में एसी वोल्टेज कितनी है, एसी करंट कितनी है, तो आपको उसके लिए एसी इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा। और अगर आपको ट्रांजिस्टर में डीसी वोल्टेजेस और डीसी करंट को फाइंड करना है तो उसके लिए आपको डीसी वोल्टेज और डीसी करंट्स को फाइंड करना पड़ेगा, जो कि मैंने इससे पहले वाले टॉपिक में आपको डिस्कस किया है। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो किसी भी एम्पलीफायर के साथ जुड़ी हुई होती है वो है आपका वोल्टेज गेन। अब वोल्टेज गेन क्या है, यहाँ पर टर्म आप देखें गेन, गेन जो होता है सिंपली रेशियो होता है आउटपुट टू द इनपुट। सपोज करते हैं कि आपने कहीं पे जमा किए 2 रुपये और आपको उसका आउटपुट क्या मिल रहा है 4 रुपये, तो यानी कि आपको कितना फ़ायदा हुआ 2 टाइम्स यानी कि 4। तो हम कैसे फाइंड करते हैं, तो गेन इज़ द रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट, दैट इज़ आउटपुट मिला 4, इनपुट था 2, यानी कि आपको कितना फ़ायदा हुआ 2 टाइम्स आपको बेनिफिट हुआ। ठीक है, यानी कि आपका जो भी इनपुट आपने दिया वो इंक्रीज़ हो गया, 4 बन गया, यानी कि वो 2 टाइम इंक्रीज़ हो गया, यानी कि एम्पलीफाई हो गया। तो यही आपका कौन करता है, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर जो है वो एम्पलीफिकेशन का काम करता है। तो इन केस ऑफ ट्रांजिस्टर हम स्टडी करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर को, जिसको हम कहते हैं वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज, यानी कि आपको आउटपुट में क्या मिला और आपने इनपुट में क्या लगाया था। तो जो आपका वोल्टेज गेन है उसको आप ए वी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इट इज़ द रेशियो ऑफ वी आउटपुट, आउटपुट वोल्टेज टू द वी इनपुट, इनपुट वोल्टेज आपने क्या लगाई थी। ठीक है, तो हम सबसे पहले आउटपुट वोल्टेज को फाइंड कर लेते हैं। सो वी आउटपुट, आउटपुट वोल्टेज आप जानते हैं वोल्टेज इज़ द प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस, यानी कि आउटपुट करंट, आउटपुट करंट है आई सी, और आउटपुट में जो रेजिस्टेंस है वो कितना है उसको मैं आर आउट लिख लेता हूँ, आर आउटपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, उसी तरीके से आपके पास में वी इनपुट क्या रहेगा, यानी कि इनपुट करंट है बेस करंट मल्टीप्लाइड बाय इनपुट रेजिस्टेंस आर इन। ठीक है, अगर आप सर्किट को देखें तो आउटपुट रेजिस्टेंस की हम बात करें तो आउटपुट में आपको 2 रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, एक है आर सी और एक आर एल, और दोनों क्या है पैरेलल में। तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ जो आर आउटपुट है यानी कि टोटल आउटपुट रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर है, आर सी पैरेलल आर एल। और अगर आप इसे सॉल्व करें तो आप जानते हैं ये आ जाएगा आर सी इंटू आर एल डिवाइडेड बाय आर सी प्लस आर एल। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, आउटपुट रेजिस्टेंस आ गया। सिमिलरली अगर आपको इनपुट रेजिस्टेंस फाइंड करना आर इन, तो आप जानते हैं उसमें आर वन एंड आर टू आपके पैरेलल में आ गए। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा आर वन इंटू आर टू डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर टू, यानी कि 2 रेजिस्टेंसेस आपके सामने आ गए। इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं, इसे क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसे क्वेश्चन नंबर थर्ड और इसे क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो देयरफॉर आपके पास में आउटपुट वोल्टेज आ जाएगी आई सी मल्टीप्लाइड बाई आर आउट कितना है, आर सी इंटू आर एल अपॉन आर सी प्लस आर एल। ठीक है, और इनपुट वोल्टेज कितनी आ जाएगी, दैट इज़ आई बी मल्टीप्लाइड बाई आर वन इंटू आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, ऐसा भी लिख सकते हैं। देयरफॉर आपके पास में जो गेन है वो कितना आ जाएगा, गेन विल बी इक्वल्स टू आई सी मल्टीप्लाइड बाय आर आउट डिवाइडेड बाय आई बी मल्टीप्लाइड बाय आर इनपुट। ठीक है, ऑल्सो अब आपको पता है कि जो ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर में आपके पास आता है करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, दैट इज़ रेशियो ऑफ आई सी टू द आई बी, यानी कि रेशियो ऑफ द कलेक्टर करंट टू द बेस करंट। देयरफॉर अगर हम जो आपका इक्वेशन है इसमें देखिए आई बी आई सी अपॉन आई बी है, अगर आई सी अपॉन आई बी की जगह मैं बीटा पुट कर देता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा वोल्टेज गेन इज इक्वल्स टू बीटा आर आउट अपॉन आर इन। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया गेन ऑफ एन एम्पलीफायर। और अगर आपको यहाँ से पावर गेन फाइंड करना है तो आप यहाँ से पावर गेन भी फाइंड कर सकते हैं, पी पावर गेन लिख लेता हूँ, दैट इज़ इक्वल्स टू आप जानते हैं
आई स्केयर पावर किसके बराबर होता है, पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ वी आई या आई स्केयर आर, तो आई सी, आई सी आउटपुट करंट स्केयर मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इनपुट करंट का स्केयर मल्टीप्लाइड बाय इनपुट रेजिस्टेंस। तो ये भी आपके पास में आ जाएगा और आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, पी गेन इज इक्वल्स टू आई सी आई बी हो गया बीटा, यानी कि बीटा का स्केयर आर आउटपुट अपॉन आर इनपुट। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर। एक बार ये आप फिर से देख लीजिए, ये आपका ए सी इक्विवेलेंट सर्किट है। हमने यहाँ पे ए सी सर्किट इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, ए सी वोल्टेज एंड ए सी करंट को, क्योंकि एम्पलीफायर क्या करता है, इनपुट वोल्टेज स्मॉल वोल्टेज को इंक्रीज करता है, उसके एम्पलीट्यूड इंक्रीज करके हमें आउटपुट में प्रोवाइड करता है, तो दोनों ए सीज होते हैं, ठीक है। तो गेन इज द रेशियो ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है। वोल्टेज गेन जो है वो आउटपुट अपॉन इनपुट वोल्टेज होती है। एसी इक्विवेलेंट सर्किट को देखें तो आउटपुट रेजिस्टेंस आर सी पैरेलल आर एल, इनपुट रेजिस्टेंस आर वन पैरेलल आर टू, इनपुट करंट इज आई बी, इन आउटपुट करंट इज आई सी। तो आउटपुट करंट इनटू आउटपुट रेजिस्टेंस इज आउटपुट वोल्टेज, इनपुट करंट इनटू इनपुट रेजिस्टेंस इज इनपुट वोल्टेज, ठीक है। तो ये दोनों आपके इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंसेस आप पुट कर लीजिए तो आपके पास वोल्टेज गेन आ जाएगा।